पिछला क्लास में आप पढ़े थे, याद वाद किए हैं सब? क्वेश्चन लिखिए। आज हर दिन टेस्ट होगा, जो पिछला दिन पढ़ाएंगे उससे डेली 5 क्वेश्चन दे, और उससे पूरा पता चलते जाएगा आप कितना बढ़िया पढ़ रहे हैं। लिखिए पहला क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन लिखिए, हड़प्पा सभ्यता के कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? चोरी नहीं कीजिएगा, सब अपने से बुद्धि लगा के बनाना है। चॉइस ए देसलपुर, चॉइस बी में लिखिए मांडा, चॉइस सी में लिख दीजिए सुरकोटदा, चॉइस डी में लिख दीजिए सुतका गेंडोर, बड़ा जल्दी जल्दी सब बना दे रहा है ये लोग, तो क्वेश्चन को एकदम चटनी उड़ा दिया है। बोलिए सही आंसर कौन होगा? सुतका गेंडोर, क्योंकि आप देख रहे हैं देसलपुर गुजरात, मांडा जम्मू कश्मीर, सुरकोटदा गुजरात, सुतका गेंडोर सही आंसर। क्लियर है सबका? चलिए ये ट्राई बॉल था, अब क्वेश्चन शुरू करें। दूसरा नंबर, 5 क्वेश्चन आपको चलेगा, 5 एकदम बुद्धि लगा के डेली पढ़ के आइएगा, बनाइए, बस एकदम फिट होते चले जाइए। लिखिए दूसरा क्वेश्चन, लिखिए प्रश्न, दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? सब बड़ा धाय धाय लगा दे रहा है। अच्छा पहले लिख लो, दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? चॉइस ए लिखिए भीमा, चॉइस बी माही, सब नए नदी देंगे चूंकि तुम लोगों के लिए नया है तो ये भी नया, सब चॉइस नया, माही लिख दिया। अगला नंबर लिख दीजिए तुंगभद्रा, डी गोदावरी, और चॉइस ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक सही। चलो नहीं, अब बहुत सही कर रहा था तुम लोग ना, बीपीएससी में इतना जल्दी सही थोड़े होगा। बीपीएससी का मतलब है एकदम बुद्धि, बिना बुद्धि बीपीएससी का, अब हम नहीं जानते, तुम सही करो। कौन सही होगा जी? अच्छा कितने लोग देख लें, बाकी लोग क्या ई पे ही सब एकदम सुर ताल लगा दिया, वाह। चलिए कितने लोग इसमें ए बना रहे हो? भीमा, अच्छा भीमा, आप बी बना रहे माही, नहीं, सी तुंगभद्रा, डी गोदावरी, में कुछ लोग हैं, और कोई नहीं, ई बना रहे हैं, वेरी गुड। चलिए बढ़िया है, आपको ध्यान रखना है कि दैमाबाद ऐसे मेन प्रवरा नदी है, और प्रवरा नदी गोदावरी की ही सहायक नदी है,
अगर आपको प्रवरा चॉइस में नहीं गोदावरी भी मिलता है तो इसको सही माना जाना है, ई पे नहीं पहुंचना है, उसी का सहायक नदी है। तो इसलिए सही आंसर यहाँ गोदावरी हो जाएगा। गोदावरी की सहायक कौन है? प्रवरा। अगर ये मिल जाएगा तो आपका सही आंसर प्रवरा हो जाएगा। तो सही आंसर आपको ध्यान रखना है प्रवरा है और ये गोदावरी की सहायक है। यहाँ पे हिंट्स में आप लिख दोगे सहायक हो गया गोदावरी का। तो मैंने कि पहला सब बहुत जल्दी सही कर लिया था इसलिए दूसरा तीसरा थोड़ा ठीक कर दे रहे हैं। तीसरा अगला नंबर लिखिए और देखते हैं एकदम सही बनाएंगे। नदी वाला आप लोग खूब रटे होंगे और सब नदी वाला ही चलते हैं। आपको दो तीन दिन में मालूम चल जाएगा कि जितना पढ़ेंगे वो अंतिम नहीं है। हम लोग को बुद्धि अंतिम तक लगाना है, हमेशा सीखना है, परीक्षा में नए प्रश्नों के लिए एकदम तैयार रहना है। तो उन लोग परीक्षा निकाल ले जो एकदम लाल ब्लू करने के बाद सोचता है कि धरती के सब चीज हो गया, तो उनकी रिजल्ट नहीं आएंगे। अपना एकदम खुला रखना, ये आपको जो दिया जाता है एक बेस है, बाकी स्केलेटन पे जितना मान सराहा उतना ही ठीक हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन दे दे, बहुत बढ़िया प्रश्न है, यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। लिखो दहमाबाद, दहमाबाद तो अभी कर दिए, धौलावीरा कर लेते हैं। लिखो धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? चॉइस देख लेना है। हाँ, धौलावीरा किस नदी के बीच में स्थित है कर दो, किनारे छोड़ दो, बहुत किनारे तुम लोग धाय से मारे। धौलावीरा किस नदी के बीच में स्थित है? चॉइस ए मनसर और मनहर। इस बार चूंकि धौलावीरा इंपॉर्टेंट है इस देश को मेन ध्यान रखना। मनसर और मनहर, मनहर। चॉइस बी लूनी और यमुना, लूनी और यमुना। चॉइस सी लूनी और सतलज, सतलज। और डी लूनी और मनसर। चॉइस ई कोई सही नहीं है, ऑब्लिक एक से अधिक सही है, एक से अधिक सही है। तुम लोग बड़ा धाएं धाएं ठीक मार रहा था इसीलिए तुम लोग का लक्षण से हम ठीक कर दिए हैं। पांच क्वेश्चन में तुम लोग का मिजाज सही हो जाएगा। अच्छा ऐसे हल्ला करके नहीं, पहले हम देखो एक काम करना, हमेशा ध्यान रखना कि ईश्वर तुम्हारे पास बुद्धि रूपी मशीन दिए। कई लड़का के आंख और मुंह डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, उन लोग कभी सही बीपीएससी में नहीं करोगे, रिजल्ट नहीं आया। किसी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बीपीएससी आपको टाइम खोजता है, तो उतना समय आप अंदर चिंतन में लगाइए, लगाइएगा रिजल्ट आते जाएगा। धाएं धाएं मारिएगा गायब हो जाइएगा, इसलिए एकदम बुद्धि लगा के जल्दी बोल दीजिए आंसर। अभी चेक कर ले, देख ले कई बच्चे डी सी, बहुत बढ़िया। कितने बच्चे ए लगा रहे हो, हाथ उठाओ ए, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा बी लगा रहे हो, बी लगा रहे हो, बहुत बढ़िया। सी लगा रहे हो, वाह। डी, डी लगा रहे हो, अच्छा डी, अच्छा बहुत बढ़िया। और चॉइस ई कितने लोग लगा रहे हैं? ई में भी कई लोग। अरे तो बाकी हाथ कहाँ गया, हमको अंदाज नहीं लगा कि भीड़ किधर है, तो बड़ा आहिस्ते से निकल जा रहा है जी तुम लोग। हाँ ध्यान दीजिए, धौलावीरा थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि धौलावीरा का स्ट्रक्चर थोड़ा समझना होगा, क्योंकि धौलावीरा आपको बताए तो देखो पिछला दिन नदी किनारा हम सब आपको पढ़ा चुके थे और जान के बोले थे कि कुछ बातें मटियाए रहता है ताकि टेस्ट माध्यम से निकले और दोनों सुरताल मिलने के बाद तब धीरे धीरे कंप्लीट हो जाए। प्रतिदिन आपको जो पिछला दिन पढ़ाए हैं उससे पांच क्वेश्चन कराएंगे, डेली हो तो बस उतने तो तुम पढ़ के रखोगे, अब बस एकदम उससे पांच बना लोगे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। फिर छोटकन चिटपुटी वन जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव देखने का इच्छा नहीं करे, बस अभी तो तुमने चिटपुटी नहीं ना देखता है, धीरे धीरे उसको देखोगे कहोगे क्या ये सब दिखा रहा है, थोड़ा ढंग का दिखाओ तो लगेगा कि बना है, बस समझ ना। तो उसमें आपका लेवल ऐसा एक महीने में आ जाएगा। चलिए आप जल्दी से देखिए, धौलावीरा को आपको बताया था कि कक्ष के पास स्थित, याद है कभी कभी कच्छ से रिलेटेड भी देता है तो आपको ध्यान रखना है।
दूसरी बात है कि यहाँ पे कच्छ पे एक खारा पानी वहां पे, लूनी भी खारी जल। और इसलिए धौलावीरा में सबसे बड़ी समस्या पेयजल की समस्या, और वहां पानी पीने के लिए इन लोगों ने जो टेक्नोलॉजी अपनाया वो अद्भुत था, और इसीलिए इसको विश्व विरासत सूची में शामिल करने की योजना भी चली। क्योंकि इन्होंने क्या किया, टनल का निर्माण किया, टनल कैनल। अब सोचो कि ये खास दो नदियों के बीच में एक ऐसा सिस्टम डेवलप किए जिसके कारण इस बीच से इसको टनल के माध्यम से बीच से निकालते हुए पूरे मीठे जल की आपूर्ति करने का एक चैन बना दी, जो आज के लिए भी सोचो कि धौलावीरा को प्रेरणा का स्रोत है कि बीच शहर से टनल कैसे पास करेगा, स्वच्छ पानी कैसे मिल पाएगा। और ये टेक्नोलॉजी अभी भी धौलावीरा आपको जब फिगर दिखाएंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा। और ये दोनों मीठे नदियों को इस तरह के बीच के टनल से जोड़ने की योजना चली थी, और मीठे नदी दोनों थे, एक थे उत्तर में मनसर और दक्षिण में मनहर, और मनसर और मनहर नदी के टनल से ही पूरा धौलावीरा मेन वहां जल आपूर्ति सप्लाई होती, और इसीलिए इसका सही आंसर कौन था, ए, मनसर और मनहर। बाकी अगर ये नहीं था तब कच्छ और लूनी की बात चल रही थी। कॉपी में जो लिखा उससे बहुत खुश नहीं होना है, वो वहां पे था। जब अगर नहीं इन लोग भेंट है तो लूनी ठीक है, बाकी कच्छ के पास पूछता तो सही है। यहाँ सीधा सीधा जब मनसर मनहर भेंट होगा तो इससे अलावे कोई आंसर नहीं होगा, और इसलिए सही आंसर कौन हो गया, ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन थोड़ा लूज कर दे, नहीं तो तुम लोग भी लगेगा कि तब सही करना ही नहीं है तो टेस्ट क्यों कर रहे हैं, है ना। चलिए हाँ, धीरे धीरे मिला जुला के चले, सोताल उसी बहाने सीखते भी जाएंगे आप टेस्ट से। चलिए अगला नंबर जो याद किया चलो वो भी दे दे, तुम लोग बड़ा मेहनत से सब रटा भी है। लिखिए निम्नलिखित में हड़प्पा कालीन स्थल जो गुजरात में स्थित नहीं है, जो गुजरात में स्थित नहीं है, चॉइस ए में लिखिए रोजदी। चॉइस बी में लिख दीजिए दैमाबाद। चॉइस सी में लिख दीजिए सुरकोटदा। चॉइस डी में लिख दीजिए रानाघुंडई। नया नया नाम आपको मिलेगा और इसमें यही समझना है रानाघुंडई। और ई में आपको है एक से अधिक सही या इनमें से कोई नहीं। अब ये सब प्रश्न बना रहे हो तब हम समझेंगे कि हाँ स्थल बेस आपने दिमाग अच्छा लगाया है। पिछला दिन हम आपको पूरे नदी भी सब पढ़ा चुके थे कहाँ क्या था, आज हम पढ़ाएंगे उत्खनन समान क्या मिलेगा, फिर वहां से एकदम फिट हो जाओगे कि हाँ अब एकदम मजेदार हो गया हड़प्पा मेरा। 4-5 क्लास में लेसन एकदम फिट, चलो बना दिया। चलिए नहीं बनाया, अच्छा अब वो तो आएगा ही ना, राना गुंडे भी सब पढ़ोगे कहाँ पे है अभी जस्ट सुनाएंगे तो आ जाएगा। चलिए अब जल्दी से बता दीजिए कितने लोग ए बनाए हो। अच्छा ए नहीं बनाया रहे, अच्छा अच्छा बी बनाए दैमाबाद, अच्छा बी बनाए। और कितना लोग ई बनाया, एक से ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा हाथ उठाया, वेरी गुड। तो आपको मालूम है दैमाबाद महाराष्ट्र में, गुजरात में नहीं था। अच्छा राना गुंडे कहाँ, पाकिस्तान में, किसके पास, सिंध के पास ही, इसलिए सिंध प्रांत के पास ही आपका वहां ए राना गुंडई होगी। तो इसीलिए आपका दो जगह ऐसा है जो गुजरात में नहीं है, और इसलिए सही आंसर ई होगा। चलिए अंत भला का भला, पांचवा क्वेश्चन। 5 डेली चलना है आज, फिर जो पढ़ाएंगे अगले दिन 5, आज पूरे सामग्री ठीक से रटवाएंगे। चलिए तो आज अंत भला का भला एकदम ठीक ठाक कर लेना है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए प्रश्न में, हाँ तुम गुजरात में खोज रहा था क्या
ओ वहां देखो लिखा हुआ गुजरात में नहीं है, अभी गुजरात वाला खोज के ही मारा है, लेकिन आंसर सही हो गया लॉटरी से भी। चले लिखे प्रश्न, लिखे लिखो, निम्नलिखित में कौन नदी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन नदी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन नदी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? चॉइस ए में दास, दास रिवर। चॉइस बी में सादिकॉट, सादिकॉट रिवर। चॉइस सी में यमुना रिवर, यमुना रिवर। चॉइस डी में मनहर नदी, मनहर नदी। और डी में, ई में एक से अधिक सही, कोई सही नहीं। एक से अधिक सही, कोई सही नहीं। हड़प्पा में जितना भी प्रश्न आपके क्लास में होंगे उससे ज्यादा बीपीएससी नहीं जाएगा, बीपीएससी उससे नीचे ही रहेगा। आप केवल एकदम फुल एल्टीना लगाओगे सही, यूपीएससी रेंज तक के हम हिस्ट्री कवर कर देते हैं, इससे तुमको उसमें समस्याएं नहीं होगी। चलिए जल्दी से आंसर बता दीजिए, क्या आंसर करोगे? कस के बोलिए क्या? कितने लोग ही में है जी? वाह, तो मैक्सिमम बच्चे ही में। अरे वाह, अच्छा कितने लोग ए में हो? दास, दास को नहीं। कौन संबंधित नहीं है? दास के किनारे सुतका गेंडोर। वेरी गुड, बहुत सुंदर। कितने लोग बी बनाया? शादी कोट, सुतका को, इसको भी याद है। यमुना कितने लोग बनाया? अच्छा यमुना, वो यमुना हड़प्पा से संबंधित नहीं है। और गंगा यमुना के बीच में आलमगीरपुर बनाए थे जी, हड़प्पा का सबसे पूर्वी जगह था, सब भूल गया। तो इसीलिए यमुना संबंधित है आलमगीरपुर के कारण है, और इसीलिए ये भी नहीं होगा। मनहर अभी ना देखे थे धोलावीरा में, मनसर और मनहर, इसलिए सही आंसर इनमें से कोई नहीं। परीक्षा में बच्चे इस क्वेश्चन को देख के बेचारे बड़ा हालत खराब कि पता नहीं कौन नदी है भाई, तो सब वीआईपी नदी नजर आ रहा है। तो खैर अब हम लोग ध्यान दीजिए ये, हाँ बोला जाए। हाँ अब इसमें मान लीजिए मनहर की जगह क्या इच्छा कर रहा, बोलो वही लिख देते, गंगा इच्छा कर रहा। तो गंगा, हाँ अच्छा है, गंगा ऐसे संबंधित नहीं है, लेकिन गंगा के दुआब क्षेत्र में है। आगे ऋग्वैदिक भी पढ़ोगे तो ऋग्वेद में बस सब स्टेप वही है जो आपका अभी पढ़ रहे हो हड़प्पा, ऋग्वैदिक का फेज भी वही है। क्या ऋग्वेद के लोग गंगा से परिचित थे? हाँ या ना, ऋग्वेद में गंगा है कि नहीं? गंगा क्षेत्र में रहते थे? नहीं, गंगा क्षेत्र में नहीं रहते थे, परिचित थे, क्योंकि ऋग्वेद में एक बार गंगा का जिक्र है, एक बार गंगा, तो गंगा है एक बार, परिचित है उनका निवास स्थान नहीं। तो इसी प्रकार से इन लोग भी जो ऋग्वैदिक है, गंगा उनके लिए कोई प्रमुख नदी नहीं। इस हड़प्पा में भी आपको ध्यान रखना है कि इनका मेन, चूंकि आलमगीरपुर जो स्थान मिला है इसके कारण इस फेज को हम मानते हैं कि चलिए फेज में संपर्क वो रहा है, हड़प्पा से जुड़ा हुआ फेज है। बाकी और कोई अगर नदी यहां पे दे देता जो आपको रहे कि अब यहां नर्मदा लिख देंगे, आपको मान लो यहाँ पे कावेरी लिख देते हैं और आपको कहें कौन सा नदी हड़प्पा से संबंधित नहीं है, तो बोलो आंसर क्या होगा? कावेरी। अब बताओ कृष्णा, कावेरी, ये सबके अब तुम्हारा जो है पास कोई हड़प्पा का अवशेष नहीं मिला। अब इसी में दे देंगे कोसी, गंडक, सोन। तो क्या सोन, कोसी, गंडक हड़प्पा से रिलेटेड है? उधर नहीं है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि वहां पे कौन सा रिवर दे रहा है। अब अगर सोन देता तो आंसर डी हो, अब हड़प्पा से रिलेटेड रिवर ही देगा तो नीचे ई भाग जाएंगे। क्लियर है सबका? तो आज का क्लास अब प्रारंभ किया जाए। आज बड़ा मनोरंजक क्लास है, आपको खूब बढ़िया से देखना है इन सभी लोगों को पूरा बढ़िया से। अब देखने के बाद अभी हंसे है ना, और अगला दिन तैयार रहिएगा क्योंकि हमारा क्वेश्चन बड़ा खतरनाक आएगा। आज हम पढ़ा दिए कांसे की नर्तकी मिलेगी,
अब अगला दिन पूछेंगे नर्तकी का कौन हाथ माथा पर है, दाया बाया दोनों नाच रही है, तो नाचेगी तो कौन हाथ सिर पर है, जल्दी बोलो दाया की बाया। अभी फोटो दिखाए थे, अभी फोटो दिखाए थे, तो तुम लोग पता नहीं क्या देखा, नर्तकी का कोई हाथ माथा पर नहीं है। बड़ा मजेदार है, फिर देख लिया है ना, फिर पूछेंगे ध्यान दो, अभी फिर पूछेंगे तुम लोग, फिर भट्टा बैठाएगा, सुन लीजिए, फिर भट्टा बैठाएगा। अब सुन लीजिए, अच्छे लेवल का एग्जाम दोगे तो नर्तकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नर्तकी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम जो देखा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है। सेटर एकदम पूरा बुद्धि लेके बैठा हुआ है कि क्या इस पर पूछ दे, ये बेचारा रटा हुआ फेल हो जाए, और रटा हुआ उसका फेल हो जाए। तुमको एकदम हल्का क्वेश्चन दे दें, अभी देख ले, चेक कर ले, अगला दिन के लिए तैयार रहना, वो सब लेवल जाएगा। तुमको कहे कि बताओ पशुपति शिव नाम सुना है, अरे वाह तुम लोग तो पहले से सुना हुआ। अब तुमको कहे कि पशुपति शिव माने पशुओं से घिरे हुए, अब आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि पशुपति शिव कौन पशु से घिरे नहीं है। अब सुन लो अभी चॉइस सुन लो, पशुपति शिव किस पशु से घिरे नहीं है। चॉइस ए कुबड़ वाले सांड, एकदम आपको दे रहे हैं चॉइस, एकदम ध्यान रखिएगा। चॉइस बी हाथी, चॉइस सी हिरन, दे रहे हैं, चॉइस डी बाघ दे रहे हैं, और चॉइस ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। हाँ, किस पशु से घिरे नहीं है, नहीं की बात है, पशुपति शिव के पास कौन जानवर नहीं है, क्या